हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही जबरदस्त, सो कीप वॉचिंग गाइस एंड प्लीज शेयर माय व्लॉग्स विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। और गाइस, सुबह के बज गए हैं 9, हम लोगों ने कर ली है पूजा। आज है मेरा मंडे का फास्ट, तो मैंने पूजा कर ली है, चाय बन रही है बढ़िया बढ़िया सी, और हमारे लड्डू पी रहे हैं दूध। राधे राधे कर दो लड्डू सबको, राधे 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 राधे। ये देखो, लड्डू ने मुंह में दूध भी लगाया हुआ है। ये बहुत शैतान है, ये बहुत शैतान है। पता है गाइस, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो वृंदावन गए हुए हैं दर्शन करने। इन्होंने उनको बुलाया है अभी, तो वो दर्शन करने गए हैं। तो मैंने, मतलब मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने मन में सोचा कि मैं क्या चाहिए लड्डू, आपको क्या मंगाऊं आपके लिए। तो मेरे मन में पता क्या आया? गाय। इन्हें गाय चाहिए, तो गाय मंगाऊंगी मैं इनके लिए। और यहाँ मम्मी बैठी हैं, पूजा डन हो गई है गाइस। और गाइस, मैं सोच रही हूँ ये वाला जो कर्टन है ना, एक दूसरा वाला कर्टन मंगाऊँ। अब महाकाली का या फिर ठाकुर महाराज जी का मंगाऊंगी। तो कभी कभी चेंज कर दिया, कभी शिव परिवार लगा दिया, कभी लगा दिया राधे रानी का, कभी महाकाली का कर्टन, है ना। और गाइज, आइए चलिए न्यू मेहमान से मिलवाती हूँ मैं। गाइज, ये है हमारी प्यारी प्यारी शी दोस्त, ये देख लीजिए गाइज। कहीं मैंने इनको ज़्यादा खाना तो नहीं दे दिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको ज़्यादा खाना दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ना खा ले, तो थोड़ा सा खाना ऐसा करती हूँ, मैं इनका निकालती हूँ किसी चीज़ से ना, ऐसे निकाल के, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ओवर डाइट ना हो जाए इनको कहीं। ऐसे नहीं निकलेगा ये, ऐसे नहीं निकलेगा ये। मैं ना कुछ डालती हूँ उसके अंदर, छन्नी टाइप का। और ये इतनी प्यारी है, ये छोटी छोटी सी गुड्डू गुड्डू सी। बाबू, इनका नाम क्या रखे गाइस? सो गाइस, कमेंट में मुझे इनका नाम सजेस्ट करिएगा जल्दी जल्दी से। इतनी प्यारी प्यारी हैं ये मेरी मेहमान, ये देखिए। सो गाइस, ये हैं हमारे घर की नई मेहमान, और ये गिफ्टेड हैं। ये हमें रागिनी ने गिफ्ट करी है, सो थैंक यू सो मच। और इतनी प्यारी हैं ये, छोटी छोटी सी, देखो एकदम ऑरेंज कलर की हैं। ये आ गई। ये नई मेहमान है हमारे घर की। सो गाइस, जब हमारे घर में कोई भी, मतलब पेट आता है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, कुछ भी हो, तो हम लोगों को कितना, मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है ना कि हमारे घर कोई नया मेहमान आया है, जैसे डॉग है या कोई भी है। सो गाइस, जनरली डॉग्स वगैरह मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊँ, क्योंकि मुझे डॉग्स और कैट्स से, मतलब कैसे दूर से अच्छे लगते हैं, बट घर में रखने से मुझे घिन आती है। उनके एक तो बाल पूरे में चारों ओर फैलते हैं, और ऊपर से उनकी ना एक अलग अलग सी स्मेल आती है, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट अगर किसी के घर में डॉग्स होते भी हैं ना, तो मुझे बहुत स्मेल आती है उनके घर से। सो गाइज, अब ये फिशेज आ गई हैं, तो ये तो प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी हैं। सो गाइज, जब मैं, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मम्मी भी रखा करती थी फिशेज, और इतनी अच्छी अच्छी फिशेज रखती थी मम्मी, ब्लैक, सिल्वर, ऑरेंजेस, मतलब बहुत बड़ा जो है ना बाउल था उसका, एक्वेरियम, तो वो एकदम बड़ा वाला होता है, जैसा ये वाला है ना ग्लास का बाउल, ऐसी एक बहुत बड़ा सा था जार, एक्चुअली बाउल नहीं बोलेंगे हम, जार बोलेंगे उसको, तो उसमें वो रहती थी। तो बड़ी प्यारी प्यारी सी फिशेस थी, हर संडे फिर उनका पानी वगैरह चेंज करते थे हम लोग, तो बड़ी सुंदर थी वो। फिर उसमें से ना दो तीन फिर मर गई थी, जब वो मर गई थी ना, तब फिर हमने नहीं रखी, हमने कहा कि अब नहीं रखेंगे, मम्मी दुख होता है मर जाती हैं तो। सो गाइज, देखते हैं अभी कितनी प्यारी प्यारी हैं, जल्दी जल्दी बढ़ेंगी अब, और मेरा मन है टॉर्टोइस भी रखने का। सो गाइज, चाय आ गई है गर्मा गर्म, पीते हैं। और गाइज, मैं माँ कालिंका के बारे में सबको बताना चाह रही थी, क्योंकि जो माँ हैं वो बहुत ही प्यारी हैं,
माँ तो माँ प्यारी ही होती है चाहे कोई सी भी हो। सो गाइज उनके बारे में मैं अच्छी तरीके से नहीं बता पाई थी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था सीरियसली, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। बट आज मैं डेफिनेटली उनकी जो है सारा इतिहास है ना वो आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। सो गाइज प्लीज कैरी ऑन विद मी एंड लाइक मोर लाइकिंग मोर शेयरिंग। गाइज बन गया है बढ़िया सा पालक का पुलाव ठाकुर जी के लिए और माँ के लिए, और साथ में बच्चे खा लेंगे, मेरा तो व्रत है। सो गाइज फटाफट से, और गाइज पता क्या, जब व्रत होता है ना तब ज़्यादा टेस्टी चीज़ें बनती हैं, ये मैंने नोट किया है। गाइज बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल मस्त धूप में, देखिए इधर आओ इधर आओ, कम हियर, नाउ पास दी बॉल, पास दी बॉल, जल्दी पास करो बॉल। चिल्लर पार्टी घूम रही है, हमारा ओमा भी घूम रहा है। ओमा ओमा लाओ मास्क, मम्मा को दे दो बेटा मास्क, मम्मा मम्मा को दो मास्क, दो मास्क यार, जाओ जाओ किक करो, किक करो, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी भाग के, भाग के फटाफट किक करो, किक किक बिल्ली किक करो, वो है वो बॉल बोरी, इसको दो बॉल, दो इसको। सो गाइस आई एम बैक एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अच्छे से तरीके से बताऊंगी माँ कालिंका के बारे में। एक्चुअली मैं नहीं बता पाई थी आपको क्योंकि थोड़ा सा ही मैं बता पाई थी फर्स्ट जो व्लॉग अपलोड किया था हम लोगों ने अबाउट माँ कालिंका। बट मैंने सोचा कि बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहिए मुझे ताकि उनके बारे में पता चले। सो गाइज जो माँ कालिंका हैं वो बटखेम नामक गांव है, वहाँ पर जो स्थित मंदिर है वो कालिंका माँ का मंदिर है। जो कालिंका माँ है गाइज वो उत्तराखंड जो है उत्तराखंड में है ये मंदिर, और गाइज जो इस मंदिर का जिसने निर्माण किया था वो बडियार कोई जनजाति है जो खाना बदोश जनजाति होती है, मतलब कि जो खाना बदोश आप समझते हैं क्या होता है, तो उस जनजाति ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो कैसे निर्माण हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार यही जो बडियार जनजाति का जो कोई आदमी है वो एक बार पशु अपने चरा रहा था, कहाँ पर, बहुत ऊँचाई पर, तो वो पशु चरा रहा था, तो उसके बाद वो अपना चला गया अपने घर, और उसी रात को कहते हैं बहुत तेज मतलब एकदम से बारिश आंधी आई, बिजली भी चमकी, और उसको सपना आया कि इस जगह पर मेरा मंदिर का निर्माण करो। तो उसने वो समझ गया कि माँ का आदेश है ये और हमें करना चाहिए। तो बेसिकली जो ये जनजाति है इसी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। सो गाइस इस जनजाति ने फिर क्या किया, धीरे धीरे करके वो उसी ऊंचाई पर जाके निर्माण करने लगे, और धीरे 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 करके माँ के मंदिर का निर्माण कर दिया। और गाइस जो ये माँ है ये माँ कालिंका है, इनकी डोली है, डोली रूप में ये वहाँ रहती हैं। सो गाइस हर साल देखिए ये है माँ कालिंका की डोली, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर डोली है माता की। और गाइस ये मैंने आपको थोड़ा छोटा मतलब जो क्लिप है उसमें दिखाया है, अभी आगे थोड़ी सी और वीडियो है वो और देखिए, और गाइस पूरा वीडियो का एंजॉय लीजिए। ओके हाँ साल के तीसरे साल में यहाँ पर मेला लगता है और बहुत ही बड़ा मेला लगता है, उसमें दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेके मन में, और मनोकामना पूर्ण भी यहाँ पर होती है, जो जो अपनी अरदास लगाता है या फिर माँ से बोलता है उस मेले में भी मनोकामना पूर्ण होती है गाइस। और कहते हैं कि माँ अपने जो बच्चे हैं उनके लिए अगर कुछ बताना चाहती हैं तो वो दीवार पर लिख देती हैं, उससे लोगों को पता चल जाता है। और गाइस इतना चमत्कारी ये मंदिर है, यहाँ पे जो भगत होते हैं माँ के वो ऐसे चावल में सबके आगे चावल में क्या कहते हैं हरियाली उगा देते हैं। सो गाइस बहुत ज़्यादा ही चमत्कार हैं। और गाइस ये जो वीडियो है ये स्पेशली मेरे एक भैया जी हैं उनके, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आप इनके बारे में बताओ, सबको पता होना चाहिए सबको, तो मैं इसलिए ही बता रही हूँ। और मेरा भी मन था कि मैं भी जानूँ इनके बारे में। और गाइस वहाँ पे हर साल के तीसरे जो साल होता है उसमें मेला लगता है, तो
माँ पता नहीं कितने गांवों में, अलग अलग गांवों में इनकी डोली जाती है, और बहुत अच्छे से लोग इनका स्वागत स्वागत करते हैं, सबको ये आशीर्वाद भी देती हैं गाइज। और गाइज मतलब इतना सुंदर मंदिर है ये, आसपास इतना अच्छा मतलब एटमोसफेयर है, जितना भी सारा व्यू है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हरियाली है, ऊंचाई है, पहाड़ है, तो आप सोच ही सकते होगे कितना सुंदर माँ का मंदिर होगा। सो गाइज वहां पे जब आप जाते हैं तो आप अपनी मनोकामना लेके जा सकते हैं, चावल लेके जा सकते हैं, माँ को चावल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि चावल भी चढ़ाए जाते हैं वहाँ पे, और बाकी जो भोग प्रसाद है वो तो जो आपकी मर्जी है आप वो लेके जा सकते हो माँ के लिए। और गाइज बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जो भैया हैं हमारे, वो सहारनपुर में माँ की डोली भी आई थी वहाँ से उनके पास, तो वो कितने मतलब भैया लक्की हैं कि उनके यहाँ पर माँ की डोली आई और 3 4 दिन रही माँ, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, बट मैं नहीं जा पाई थी। बट आगे जब भी माँ आएंगी तो डेफिनेटली मैं जाने का ट्राई करूँगी, और मैं यहीं से मतलब मन में मैं सोचती हूँ कि मुझे भी बुलाएं तो मैं भी उत्तराखंड के जो मंदिर है ये वहाँ पे दर्शन करूँ। और वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि माना गया है गाइस, देवों का वास होता है वहाँ पे, तो आप वैसे भी दर्शन करने जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आप ऋषिकेश हरिद्वार साइड जाइए तो वहाँ आपको देखिए कितना पीसफुल, मतलब वहाँ का जो एटमोसफेयर है ऐसा लगता है यहाँ से जाओ ही मत। जब भी गाइज मैं ऋषिकेश हरिद्वार जाती हूँ ऐसा लगता है मैं 5 6 दिन यहाँ पे रुकूँ, यहाँ के नेचर को फील करूँ, वहाँ की जो पीसफुल जो शांति है उसे फील करूँ, बट नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता। बट ये थोड़े बड़े हो जाएं तो डेफिनेटली मैं 1 1.5 हफ्ते तो वहाँ रह के आने वाली हूँ। सो गाइज आप लोग भी माँ बटकेम काली हैं, कालिंका माँ हैं, उनके बारे में, उनका मंदिर देखिए, उनके बारे में जानिए, दर्शन करने जाइए। जैसे हमारी दिल्ली वाली कालका माँ है फेमस, ऐसी माँ बटकेम वाली कालिंका माँ बहुत ज़्यादा फेमस है। उनके बहुत ही चमत्कार हैं, इंस्टेंट चमत्कार होते हैं गाइज, सीरियसली। और गाइज बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और गाइज एक हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है बांदा में माँ विंध्यवासिनी, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, उनकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मेरे थ्रू इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लगे, वैसे तो आजकल गाइज गूगल है, दुनिया भर के सब मैप्स हैं, सबको पता है, बट इतनी रन एंड मील लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो जा जाके ऐसे सर्च करे, बट क्या पता मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को कुछ अच्छी बातें पता लगे, तो ये अच्छा है ना आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो गाइज आप माँ कालिंका के मैं बहुत सारे पिक्चर्स भी आपको अपने ब्लॉग में और डोली भी दिखाऊंगी, और मैंने दिखाई भी थी लास्ट ब्लॉग में, तो गाइज आप लोग ज़रूर देखिएगा, पसंद करिएगा, और अपने अपने व्यूज़ कमेंट्स भी दीजिएगा, मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिएगा विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स। और गाइज बहुत जल्दी मैं आपको वृंदावन और बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों के व्यूज़ दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए थे वृंदावन जस्ट, आप अभी आए हैं वो, तो वो बहुत सारा व्यू कलेक्ट करके लेके आए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कलेक्ट करके लेके आए हैं, तो डेफिनेटली मैं व्यू इसमें व्लॉग के थ्रू आपको दिखाऊंगी गाइज। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, पसंद करिए, माँ कालिंका के बारे में देखिए, जानिए, उनके दर्शन करके आइए गाइज, अपने अपनी मनोकामना पूर्ण करवा लीजिए माँ से। और गाइज बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये सब बातें बताना आपको, और गाइज बस सपोर्ट कीजिए आप। सो इसी के साथ गाइज ब्लॉग को एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए गाइज।